इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको व्हाट्सएप पर कभी कभी इस तरीके से दिखाता है यू आर सिक्योरिटी कोड विद नंबर चेंज इट टैप टू लर्न मोर, तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाता है ये, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए ऐसा होता है कि यहाँ पर व्हाट्सएप जो है एंड टू एंड इनकरप्टेड है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है सोर्सेस को सिक्योरिटी कोड में बांटा जाता है। तो जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई पर्सन जाता है उसी नंबर को करता है, तो वहाँ पर उसको सिक्योरिटी कोड जो होता है वो जो है बदल जाता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेटिव चीज़ है कि आप किसी से बात कर रहे हो तो उसका सिक्योरिटी कोड बदल जाए। आपको नहीं पता इसकी मतलब कि इसका क्या काम होता है, बट इसका काम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर व्हाट्सएप जो है नोटिफाइड करता है कि ये जो है बंदे ने डिवाइस चेंज किया है, इसका सिक्योरिटी कोड अब जो है चेंज हो चुका है, अब आप इसको दोबारा से यूज़ करिए। तो उसका सिंबल यहाँ पर आता है, वैसे बहुत लोगों को उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो बट यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड होता है जिससे कि हम इनक्रिप्टेड होते हैं ज़्यादातर ये चीज़ें, तो उस वजह से यहाँ पर ये सिंबल दिया जाता है, ठीक है। तो और कोई बात नहीं होती इसमें, डिवाइस चेंज की बात होती है बस। तो अगर यहाँ पर आपको समझ में आई हो ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।